दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी ताकत है जिसने एक छोटे से देश को पूरे मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना दिया है? कैसे इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद इतनी बार विजयी हुआ है? इजराइल एक ऐसा देश जो आकार में छोटा पर अपने आत्मबल और सैन्य ताकत में अजेय माना जाता है। यह देश किसी महाशक्ति की तरह उभर कर सामने आया है, लेकिन इसकी ये अदम्य शक्ति कहाँ से आती है? इसकी सेना क्यों इतनी खतरनाक मानी जाती है? चलिए आज बात करते हैं उस ताकत की, इजरायली सेना की ताकत की, जो इसे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक बनाती है। 1948 में जब इजराइल ने अपने अस्तित्व की घोषणा की तो दुनिया ने इसे एक नवजात राष्ट्र के रूप में देखा, लेकिन इस छोटे से देश के जन्म के साथ ही उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें शुरू हो गईं। चारों ओर से दुश्मन देशों ने हमला बोला और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नवजात देश बिना सटीक हथियारों और पर्याप्त सेना के कैसे इस संघर्ष का सामना करेगा। लेकिन इजराइल ने केवल लड़ाई नहीं लड़ी, उसने अपने दुश्मनों को धूल चटा दी। यह सिर्फ संयोग नहीं था, ये उनकी रणनीति थी, उनकी तैयारी और सबसे बड़ी बात उनका जज्बा। इजरायली सेना की ताकत के पीछे तीन प्रमुख बातें हैं। पहली, उनकी कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन। इजरायली सेना में हर नागरिक का योगदान है। हर इजरायली नागरिक, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उन्हें अनिवार्य रूप से सेना में सेवा करनी होती है। यह अनिवार्य सेवा केवल सैन्य ताकत बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक में एक विशेष जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है। हर इजरायली जानता है कि उनके देश का अस्तित्व उनकी शक्ति और संकल्प पर टिका है। दूसरी बड़ी ताकत है इजरायल की तकनीकी प्रगति। यह देश अपनी सीमाओं से परे सोचता है, और जब बात आती है तकनीक की तो इजरायल का कोई सानी नहीं। चाहे वो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम हो जो दुश्मनों की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है, इजरायली सेना अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल बचाव में नहीं करती बल्कि अपने दुश्मनों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त पाने के लिए भी करती है। उनकी साइबर क्षमताएं किसी भी देश की कमजोरियों का फायदा उठाने में सक्षम हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इजरायली सेना की रणनीति। जब बात युद्ध की हो तो इजरायल अपनी चालें पहले से बिछा देता है। उनके पास दुनिया की सबसे कुशल इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मोसाद है। मोसाद की ताकत और सूझबूझ ने इजरायल को कई बार जंग जीतने में मदद की है। कई बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि रणनीतिक और गुप्त अभियानों में जीते जाते हैं। इजरायल के दुश्मन इससे भली भांति परिचित हैं। उनकी योजनाओं को तोड़ना और उन्हें मात देना मोसाद के हाथों खेल की तरह लगता है। तो ये तीन स्तंभ हैं जो इजरायली सेना को अद्वितीय बनाते हैं, कड़ी ट्रेनिंग, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और गहरी रणनीति। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा जो चीज़ इजरायली सेना को सबसे खास बनाती है वो है उनका जज्बा। एक छोटे से देश का यह दृढ़ निश्चय कि उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी है। हर युद्ध, हर संघर्ष में यह देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। यही वो भावना है जो इजरायल को न केवल सुरक्षित रखती है बल्कि उसे हर बार विजयी बनाती है। तो दोस्तों, अगर इजरायल और ईरान का सीधा वार होता है तो इसमें कौन देश जीतेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।